आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान यूनानी क्लासेस .com से। हम पढ़ रहे हैं सैदला इल्मु सैदला या यूनानी फार्मेसी। सैदला का जो प्रैक्टिकल है वो 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का वाइवा, 30 नंबर 50 नंबर का वाइवा, 30 नंबर की फाइल और 20 नंबर का एक चार्ट होता है। जो 30 नंबर की जो फाइल है वो हम तैयार करवा रहे हैं। ये हमारी वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिकल हम पढ़ चुके हैं, तैयार करवा चुके हैं। तो ये जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो रही है इसमें ये 9वां प्रैक्टिकल है, ग्राइंडिंग मशीन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राइंडिंग मशीन। ये ग्राइंडिंग मशीन है और ये इसके कमेंट्स हैं। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके कमेंट्स बोल रहा हूं। स्टूडेंट्स जो BMS कर रहे हैं वो इन कमेंट्स को उर्दू या इंग्लिश में लिखें, और स्टूडेंट जो नर्सिंग यूनानी और डी फार्मा यूनानी से हैं वो इनको उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में चाहे लिख सकते हैं। तो साथियों मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा एक बार पढ़ लेंगे और उसमें समझ लेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। ग्राइंडिंग मशीन, सबसे ऊपर हम हेडिंग डालेंगे स्केच, ब्लैक स्केच पेन से ग्राइंडिंग मशीन, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। यह है बिजली मोटर से चलने वाली एक मशीन है। अद्वियाए मुफरदा को कूटकर पीसकर सफूफ बनाने के काम आती है। यह ज्यादा मिकदार में सफूफ बनाने के काम आती है, थोड़ी मिकदार में सफूफ यानी पाउडर हवन दस्ते में बनाया जाता है, और बड़ी मिकदार में सफूफ यानी पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे वक्त की बचत होती है और दवा खराब होने से बच जाती है, क्योंकि ज्यादा दवा का रखरखाव भी एक जिम्मेदारी वाला काम है। ये हमने पढ़ा है। स्टूडेंट से दरखास्त है कि वो इसको लिख लें, और अगर कहीं लिखने में दिक्कत आ रही हो या कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। अब हम इसको थोड़ा एक बार समझने के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ये बिजली के मोटर से चलने वाली एक मशीन है, बिजली का मोटर लगा हुआ है उसके, उससे चलने वाली एक मशीन है। अद्वियाए मुफरदा यानी कि देसी जड़ी बूटियां जो होती हैं उनको कूटकर पीसकर सफूफ बनाने के काम आती है, यानी कि उनका पाउडर बनाने के काम आती है। और अगर थोड़ी मिकदार में यानी कि थोड़ी दवा है उसको पाउडर बनाना है तो उसके लिए हवन दस्ते का इस्तेमाल होता है। हवन दस्ते में पहले कूट लेते हैं, फिर छलनी में को छान लेते हैं, जितना बारीक सफूफ होता है इतनी बारीक नंबर की छलनी में को छान लेते हैं। तो अगर थोड़ी दवा है तो उसको पाउडर जो है हवन दस्ते में बनाया जा सकता है, जो कि इससे पहले से पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और अगर ज्यादा मिकदार में दवा है तो उसको इस मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में पाउडर बनाएंगे। उससे दो फायदे होंगे, एक तो ज्यादा दवा होगी तो ज्यादा दवा को संभालना, उसका रखरखाव करना बहुत बड़ा काम होता है, और इसमें जो है वक्त की बचत हो जाती है। इधर मशीन, क्योंकि मशीन से चल रही है तो मशीन का काम मशीन का होता है, जल्दी हो जाता है, तो इसमें वक्त की भी बचत हो जाती है, और ज्यादा दवा को रखरखाव करना, संभाल के रखना उसमें भी अच्छा रह जाता है, यानी कि उसमें जो है जिम्मेदारी कम हो जाती है और पाउडर जो है वो साथ के साथ तैयार हो जाता है। तो ये हमारी ग्राइंडिंग मशीन है। साथियों आपसे दरखास्त है, हमारी इस ऑनलाइन क्लास को जो कि सैदला की फाइल से मुताबिक है, संबंधित है, आपसे दरखास्त है इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल यूनानी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जो चीज समझ में नहीं आ रही हो या कुछ मशवरा हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके अच्छे कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। साथियों अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, हमारे साथ पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।